नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। बकरे बकरियों को कितनी मात्रा में और किस तरीके से सोयाबीन खिलाएं जिससे कि आपके बकरा बकरी की ग्रोथ अच्छी हो और उनका वजन भी बढ़े। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कच्चा सोयाबीन रखा हुआ है, ये रो सोयाबीन है। ये सोयाबीन को आपको किस तरीके से खिलाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरी पालक ऐसे हैं हमारे कुछ जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो बकरा बकरी को सोयाबीन खिलाते हैं, पर कुछ लोग डायरेक्ट सीधा दाना खिलाते हैं, कुछ लोग इसे गलाकर खिलाते हैं मतलब पानी में भिगोकर खिलाते हैं, और कुछ लोग बॉईल करके भी खिलाते हैं, जैसे कि कुछ लोग बाजरे के साथ बॉईल कर लेते हैं, कुछ लोग गेहूं के साथ बॉईल करके खिलाते हैं, पर वो तरीका गलत है जिस वजह से आपके बकरा बकरी में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम सोयाबीन के कंटेंट के बारे में बात करें तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे हाई प्रोटीन के अनाज की अगर हम बात करें, बकरा बकरी को जितने भी अनाज देते हैं तो उन सब में सबसे टॉप नंबर पर आता है सोयाबीन। अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन के कंटेंट की बात करें तो 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम मतलब 36 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी मुख्य स्रोत है। ये जो कंटेंट है बहुत हाई मात्रा में पाए जाते हैं सोयाबीन के अंदर। इसके बाद सोयाबीन में विटामिन B6, विटामिन B12 भी पाया जाता है, जिससे कि बकरा बकरियों में जो कमजोरी आ जाती है, उनका वेट गेन नहीं होता है, वो लड़खड़ा कर चलता है, वो सब नहीं होता है अगर आप अपने बकरे बकरियों को सही तरीके से और सही मात्रा में सोयाबीन अगर खिलाते हैं तो। इसके बाद हम बात करें कि सोयाबीन के अंदर आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि आपके बकरा बकरियों के जो बालों की शाइनिंग होती है, जो हेयर फॉल की समस्या होती है वो कभी नहीं होती है और बालों में हमेशा चमक बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली अपने बकरा बकरी को सोयाबीन खिलाकर दिखाऊंगा कि किस तरह आपको सोयाबीन को ऐसा बनाना है जिससे कि आप जब बकरा बकरी को खिलाएं तो वो उसे आसानी से खा भी लें और आपको उसका रिजल्ट 100% मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सोयाबीन को खाने योग्य बनाएंगे, क्योंकि आपको अपने बकरा बकरी को कभी भी सोयाबीन भिगोकर नहीं खिलाना है, उसे किसी चीज के साथ बॉइल करके नहीं खिलाना है। आपको अगर सोयाबीन खिलाना है अपने बकरे बकरियों को तो आपको इसे हल्का हल्का सेकना होगा, लाइक एक तवा दिख रहा है, फ्राई पैन है, इसकी मदद से आप सोयाबीन को हल्का हल्का ब्राउन कर लें। हमें सोयाबीन को इस फ्राई पैन पे तब तक सेकेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं सोयाबीन का कलर हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है और आप देखेंगे तो इसमें दरारें भी पड़ गई हैं। ये देखिए, आपको सोयाबीन को सिर्फ इतना ही सेकना है, आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर वो जल जाएगा तो बकरा बकरी खाएगा नहीं, और कच्चा रहेगा तो भी बकरा बकरी खाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अब आपको इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं खिलाना है अपने बकरा बकरी को, इसे हल्का हल्का दरदरा कर लेना है। तो हम इसे दरदरा कर लेते हैं, फिर अपने बकरा बकरी को खिलाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने सोयाबीन को दरदरा पिसवा लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको भी दरदरा करवाना है। आपको साबुत अनाज कोई भी नहीं खिलाना है। जैसा मैंने आपको बताया कि मक्का, गेहूं, सोयाबीन या कोई भी अनाज आप खिला रहे हैं तो साबुत को ना खिलाएं, मतलब सिंगल दानी में ना खिलाएं, इस तरह से दरदरा करके खिलाएं जिससे कि वो आसानी से उसे डाइजेस्ट कर सके। तो आप इस सोयाबीन के दरदरे को जो हमने हल्का हल्का सेका है, इसको आप किसी भी माध्यम से अपना बकरा बकरी खिला सकते हैं। आप चाहे तो इसे दाना मिश्रण में मिलाकर खिला दें, आप चाहे तो इंडिविजुअली जो हम ड्राई पाउडर खिलाते हैं, जो भूसा खिलाते हैं, इसको मिलाकर खिला सकते हैं, या आप चाहे तो इंडिविजुअली आप सोयाबीन भी खिला सकते हैं ऐसे ही जैसे ये दरदरा है। आपको सिर्फ मात्रा का ध्यान रखना है। अगर आपका बकरा बकरी 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच का है तो आप उसे इस सोयाबीन का दरदरा 50 ग्राम डेली खिला सकते हैं। अगर वहीं आपका बकरा बकरी 12 महीने से ऊपर का है मतलब एडल्ट है, फिर चाहे वो 2 साल का हो या 2.5 साल का हो, आप उसे डेली बेसिस पे 100 ग्राम सोयाबीन का दरदरा खिला सकते हैं जिससे कि उसे डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसे भरपूर मात्रा में जो आपको प्रोटीन कंटेंट बताया है इसका मैंने, वो भी मिलेगा, जिससे कि आपके बकरा बकरी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और जिस तरह कुछ बकरी पालक सोयाबीन को भिगो कर खिलाते हैं, बॉयल करके खिलाते हैं, तो वैसे ना खिलाएं, क्योंकि उसमें बकरा बकरी का डाइजेशन खराब होने की समस्या हो सकती है। अगर बकरा बकरी का डाइजेशन खराब हो जाता है तो आप जो वेट गेनिंग, जो उसकी ग्रोथ चाह रहे हैं वो नहीं होगी, क्योंकि जब भी बकरा बकरी को लूज मोशन या उसका बीमार होना होता है तो वो अपना वजन डाउन कर लेता है।
और वैसे में खाना पीना भी कम कर देता है। तो सोयाबीन का जो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप इसे हल्का हल्का ब्राउन सेक लें, अगर इस तरह से खिलाना चाहें तो ड्राई फूडर पे डालकर भी खिला सकते हैं, या आप इसे डायरेक्टली इस तरह से भी खिलाना चाहें तो इस तरह भी खिला सकते हैं। ये देखिए बकरा बकरी इसे बहुत ही आसानी से खा लेता है, क्योंकि जब हम इसे सेक लेते हैं तो इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। कच्चा सोयाबीन अगर आप खिलाएंगे तो बकरा बकरी बहुत मुश्किल से खाता है, और अगर खा भी लेता है तो उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और जिस तरह ये हमने आपको बनाकर दिखाया, इस तरह से आप खिलाते हैं तो ये सिर्फ अपने बकरा बकरी को फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। इसके अलावा ध्यान रहे कि जो बकरी आपकी प्रेग्नेंट है उसे आप सोयाबीन ना खिलाएं, क्योंकि सोयाबीन की तासीर गर्म होती है, और जो बकरी प्रेग्नेंट होती है उसे अगर हम हेल्दी बनाने के लिए या उसको तंदुरुस्त करने के लिए सोयाबीन अगर यूज़ करते हैं तो वो बच्चा अवॉइड कर सकती है, समय से पहले बच्चा दे सकती है, तो उससे भी आपको नुकसान होगा। तो प्रेग्नेंट बकरी को सोयाबीन ना खिलाएं, जब उसकी डिलीवरी हो जाए उसके अगले दिन से ही आप सोयाबीन खिला सकते हैं। दोस्तों एक बार आप भी अपने बकरा बकरी में सोयाबीन का इस्तेमाल जरूर करके देखें, और जो तरीका मैंने आपको बताया अभी उस तरीके से ही खिलाएं, जिससे कि आपका बकरा बकरी में आपको अगर एक महीने भी ट्रायल पे आप लेते हैं सोयाबीन खिलाने के लिए तो आप एक महीने में रिजल्ट देखेंगे। आपका बकरा बकरी का वेट गेन भी अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी होगी, उसके बालों की चमक भी बनी रहेगी। और आज के वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।